हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुनाल एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि TS-47 के SSB का रिव्यू नहीं आ रहा है। तो भाई, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अब आप लोगों को रेगुलर मैं रिव्यू दूंगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों का SSB है और आप लोग SSB देने के लिए जा रहे हो तो आप जो है इस नंबर पे ज़रूर अपना रिव्यू शेयर करना, ताकि और भी लड़कों का हेल्प हो सके। 8757750822 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप में अगर आपका कोई भी डाउट हो, या फिर आप अगर हमें रिव्यू शेयर करना चाहते हैं अपना SSB का, तो आप मुझे व्हाट्सअप में इस नंबर पर सिर्फ मैसेज कर देना, मैं खुद आपका SSB का रिव्यू ले लूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कपूरथला सेंटर का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि कपूरथला सेंटर का रिव्यू लाओ, तो मैं जो है सभी सेंटर का आपको रिव्यू देने वाला हूँ और बहुत अच्छे तरह से दूंगा। आज का भी रिव्यू मैं आपको 2 कैंडिडेट का रिव्यू इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे तरह से अपना रिव्यू शेयर किया है, खास करके ग्रुप डिस्कशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आप लोग का भी SSB है तो आप लोग जो है इस नंबर पे मुझे अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना, इससे बहुत सारे कैंडिडेट का हेल्प होता है। तो देखो, इस भाई का जो है आज ही जो है SSB था, और इनका जो सेंटर था वो था कपूरथला। तो ये जो है रिव्यू कपूरथला सेंटर का रहने वाला है। तो देखो, भाई का कुछ डाउट था तो ये मेरे से पूछे थे, तो मैंने इनका डाउट क्लियर कर दिया था। तो अगर आपका भी कोई डाउट रहता है तो डिस्कशन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग जाके व्हाट्सअप में मुझे मैसेज कर देना, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है SSB से रिगार्डिंग, मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। तो आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, सब कुछ का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे इन भाई का जो है कपूरथला में SSB था, और इनका SSB जो है 26 को था, मतलब कि आज ही था। तो मैंने इनको पहले ही बोला था कि भाई रिव्यू ज़रूर शेयर करना, अच्छे से SSB देना। हाँ भाई, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। तो भाई, आपको भी थैंक यू, और जो भी भाई मुझे रिव्यू शेयर करते हैं उनको सही में दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग जो है अपना जो है कीमती समय निकाल के और रिव्यू शेयर करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे ये जो है 447 में ये मैसेज किए थे कि हाँ भाई, स्किन आउट हो गए, रिपीटर्स इन हुए सारे, और भाई बस मेरा PPDT ख़राब हुआ, OIR अच्छा हुआ। तो देखो, इनका कहना है कि इनका जो PPDT है वो ख़राब हुआ और OIR अच्छा हुआ था। तो मैंने इनको बोला कि कितने लड़के रिपोर्ट किए थे, तो देखो 400 कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली रिपोर्ट किए थे। कितने रिपोर्टिंग होती है वो बताया नहीं जाता है, तो वो अप्रॉक्सीमेट ही बताया जाता है आपको, जो भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद भाई क्या क्या बताऊँ ये बताओ, इन्होंने पूछा। तो मैंने इनको बोला कि रिपोर्टिंग टाइम क्या क्या, डॉक्यूमेंट चेक किए, ये सब बताओ। तो भाई, घर वापस आ रहा हूँ, बहुत शोर है। हाँ भाई, बताता हूँ। सबसे पहले गेट पे जो है, देखो कपूरथला सेंटर में सबसे पहले गेट पे जो है आधार कार्ड चेक हुआ, ठीक है, आधार कार्ड चेक हुआ। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रिपोर्टिंग कहाँ पे होता है, तो आपका जो भी जहाँ पे भी SSB है उसके कॉलअप लेटर में लिखा हुआ है कि कहाँ पर आपका रिपोर्टिंग होगा, आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सबसे पहले गेट पे जो है आधार कार्ड चेक हुआ, उसके बाद अंदर जाते उन्होंने TA का फॉर्म भरवाए, जो भी फ्रेशर्स थे। अगर आप फर्स्ट टाइम SSB के लिए जा रहे हो तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको सारा जो है मतलब कि ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, जितना भी आपका खर्चा होगा अगर आप ओरिजिनल टिकट दोगे तो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 10:30 में चेस्ट नंबर दिया गया, उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ और सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया। गेट के अंदर जाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड चेक किया गया, बाद में वेरिफिकेशन के लिए 12th का मार्कशीट चेक हुआ, RT-PCR चेक हुआ, उसके बाद JEE मेंस का मार्कशीट चेक हुआ। तो देखो, आप लोग का और एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप लोग बार बार मेरे से पूछते हो, आप लोग अगर TS-47 वाला प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो अगर देख लोगे तो आप लोग का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। फिर भी मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि मेरा मुझे भी RT-PCR लेके जाना पड़ेगा क्या। तो भाई, अगर आपका कोविड वैक्सीनेशन हो गया है तो फिर आपको RT-PCR सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ कोविड का दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आपने एक ही डोज लिया है तो फिर आपको RT-PCR करवा के लेके जाना होगा। तो मैंने इनको पूछा कि डॉक्यूमेंट में किसी को आउट भी किए क्या, तो देखो डॉक्यूमेंट में किसी को भी आउट नहीं किया।
उसके पास साइबर कैफ़े है, जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट निकाल देते हैं, तो वहाँ पे आपको निकलवा देते हैं। वैसे आप लोग ऐसा गलती मत करना, अगर रेयर केस में कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हो तो वो लोग वहाँ पे निकाल देते हैं। कोई भी नहीं आउट हुआ और केसेस थे थोड़े, बट फिर भी जो है बाद में अंदर जाने दिया सबको, और उसका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो देखो कोई भी कुछ भी जो है आपका CRL में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वैसे किसी का गलत नहीं था और कोई आउट भी नहीं हुआ, तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस बार जो है मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ अच्छे तरह से। तो जो भी लड़के मेरा वीडियो देखते हैं वो कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में तो आउट नहीं होंगे, मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि जो भी कैंडिडेट ने मुझे फॉलो किया है वो डॉक्यूमेंट में तो आउट नहीं होंगे कभी भी। और देखो इस भाई ने कहा है कि सब कुछ जो है ध्यान से चेक किया जा रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अगर कुछ भी गलती है तो उसको आप लोग करेक्ट करवा लेना। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ब्रेकफास्ट हुआ, फिर उसके बाद OIR हुआ, उसके बाद PPDT हुआ, फिर GT हुआ, देन उसके बाद रिजल्ट हुआ। तो यहाँ पे मैंने इनको बोला कि कितना टाइम दिए, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन टोटल 45 थे और टोटल जो है 27 मिनट दिया गया OIR 1 और OIR 2 के लिए, दोनों में 55 क्वेश्चन थे और यहाँ पे जो है 27 मिनट दिया गया। और क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी ही थे, 40 इजी स्कोर थे, मतलब कि 45 में आप जो है 40 क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे, जिसमें से कि नॉर्मल सीक्वेंस था, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन था, डायरेक्शन से था, और दूसरे में डायग्राम की सीक्वेंस थी, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन था। और PPDT में एक लड़की को दिखाया गया था, थोड़ा ब्लर था, ठीक है। और एक भाई ने बताया है बहुत ही अच्छे तरह से क्या PPDT में दिखाया गया था, और बैकग्राउंड कुछ नहीं था, 4 मिनट जो है स्टोरी लिखने के लिए दिया गया। स्टोरी राइटिंग अच्छा हुआ मगर स्टोरी नरेशन ख़राब हुआ मेरा, तो इन भाई का स्टोरी नरेशन थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, बाकी जो है सब कुछ अच्छा हुआ था। तो ये भाई ने ऐसे ही जो है स्टोरी बना दी, और उसके बाद मैंने इनको बोला कि कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम अच्छे से देना। तो अब मैं चलिए आपको दूसरे कैंडिडेट का रिव्यू शेयर कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कैंडिडेट ने जो भी रिव्यू शेयर किया है बहुत ही अच्छे तरह से रिव्यू शेयर किया है, तो इस रिव्यू को आपको पूरा देखना चाहिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट का आपको रिव्यू शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन भाई ने मुझे अपना रिव्यू यहाँ पे शेयर किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टुडे जो है इनका SSB था कपूरतला में, एंड आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। तो देखो इन्होंने जो है मुझे अब खुद से यहाँ पे मैसेज किया, तो आप लोग भी ज़रूर जो है मैसेज करना अगर आप लोग SSB दे के आते हो, तो इससे बहुत कैंडिडेट का हेल्प होता है। और एंड आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस बिकॉज एक्सेप्टेशन इज़ फार अवे फ्रॉम रियलिटी, हाइड माई नंबर। तो देखो मैं यहाँ पे नंबर तो किसी का भी शेयर नहीं करता हूँ, और नंबर सबका हाइड रहता है, तो आप लोग जो भी डिटेल्स यहाँ पे अपना शेयर करोगे तो कोई भी आपका डिटेल्स लीक नहीं होगा, सब कुछ हाइड रहेगा। तो आप लोग इस टेंशन में मत रहना कि आपका नंबर मैं शेयर करूँगा, मैं किसी भी कैंडिडेट को नंबर आपका शेयर नहीं करता हूँ, और कोई भी पर्सनल डिटेल भी शेयर नहीं करता हूँ। तो देखो इफ़ यू पुट दिस ऑन यूट्यूब, तो अगर मैं YouTube पे डालूंगा तो स्वाभाविक सी बात है मैं किसी का नंबर शेयर तो नहीं करूंगा, क्योंकि फिर उनको कॉल आने लगेगा। तो यहाँ पे देखो कि इन्होंने जो है बोला है कि 312 कैंडिडेट रिपोर्ट किए थे, और अभी जो भाई के बारे में बताया वो बोल रहे हैं कि 400, तो अप्रॉक्स ये अंदाज़ा लगा के ही बोले होंगे। और टोटल स्क्रीन इन जो होते हैं वो एग्जैक्ट डाटा रहता है, तो देखो 34 स्क्रीन इन हुए, जिसमें से रिपीटर्स 20+ थे, और फ्रेशर सिर्फ और सिर्फ जो है 6 से 7 थे, और रेस्ट जो कैंडिडेट थे वो स्किन आउट कैंडिडेट थे। बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। दे विल फर्स्ट चेक आधार कार्ड ऑन गेट, सबसे पहले जो है आधार कार्ड चेक किया गया गेट पे, उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ रिपीटर्स जो थे वो देख लो 74 थे, एंड फ्रेशर 60 to 70 थे, एंड रेस्ट जो है स्किन आउट कैंडिडेट थे प्रीवियस SSB के। और यहाँ पे देखो कि सबसे पहले जो है दे टेक वैक्सीनेशन, उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म नो रिस्क सर्टिफिकेट इन द सेम
सीक्वेंस एज आई मेंशन, तो देखो इसी सीक्वेंस में वहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। ये हो सकता है कि अलग अलग सेंटर पे ये वेरी करे, लेकिन ये मैं आपको कपूरथला के बारे में बता रहा हूँ। इन सेम सीक्वेंस एज आई मेंशन दे विल चेक सीआरएल चेक करते हैं, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। देखो पासिंग सर्टिफिकेट लेके भी बहुत ज़्यादा डाउट होता है आप लोग का, तो देखो अगर आपने 2019 में ट्वेल्थ किया है या 19 से पहले किया है तो फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिलता होगा, लेकिन अगर आप 2020 या 2021 में किए हैं तो आपका जो ट्वेल्थ का जो मार्कशीट है वही आपका जो है पासिंग सर्टिफिकेट भी है, और टेंथ में पहले भी आपका मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट होता था और आज भी वही होता है, तो आप लोग को इसके बारे में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं था उनसे सिर्फ आरटीपीसीआर लिया गया, भाई ओआईआर में एक भी डाइस का क्वेश्चन नहीं आया इस बार। तो देखो ये बता रहे हैं कि डाइस में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बाकी जो भी कैंडिडेट इलाहाबाद के थे वो मुझे बता रहे थे कि डाइस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो इनका कहना है कि डाइस से क्वेश्चन नहीं आया। तो मुझे जो भी कैंडिडेट बताते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो फिगर मैट्रिक्स और बस फिगर से रिलेटेड सवाल था सेकेंड ओआईआर टेस्ट में, तो बिल्कुल अभी जो भाई का दिखाया उन्होंने भी सेम यही बात बोला। फर्स्ट वाला नॉर्मल था, कोडिंग डिकोडिंग सब, और टाइम 27 मिनट बोल के 20 मिनट दिया, और 45 क्वेश्चन था। एसेसर बहुत अच्छे थे वहाँ पे जितने भी मतलब आपको देख रहे थे। पिक्चर में एक लड़की थी और उसके हाथ में कुछ त्रिशूल जैसा दिख रहा था, स्किन आउट वाला कैंडिडेट को बहुत प्रॉब्लम होगा, तो फिर मैंने इनसे पूछा कि क्यों, तो इसका आपको आगे जवाब मिलेगा। जीडी में ग्रुप कोऑपरेटिव नहीं थी, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि 16 का जो ग्रुप बनेगा उनसे अच्छा से सब एक दूसरे से पहले ही बात कर लेना ताकि आपका जीडी अच्छा हो। अगर आप लोग पहले ही बात कर लोगे भाई, रेशियो देखो स्किन इन होने का सिर्फ 4 या 5 स्किन इन वाले बंदे को लिया जाता है, तो इनका कहना ये है जितने भी लोग स्किन आउट होते हैं उनमें से सिर्फ 4 और 5 कैंडिडेट को ही लिया जाता है। एक बात सिर्फ अच्छा था कि यहाँ ओआईआर के लिए रफ सीट दिया गया था, तो देखो कपूरथला सेंटर में आपको ओआईआर के लिए अलग से रफ सीट दिया जाएगा, तो अदर सेंटर पे आई थिंक नहीं देता है क्योंकि ऐसा किसी कैंडिडेट ने बताया नहीं है। और एक सजेशन है कि रफ सीट पे पहले ही अपना जो भी ट्रिक है वो सब जो आप जानते हो उसको लिख लो, जैसे कि ABCD और वो कौन सा प्लेस पे आता है, जैसे कि आपका G7 नंबर पे आता है, अगर आपको ट्रिक याद होगा तो ये वाला EJOTY, तो इस तरह से अगर आपको ट्रिक याद होगा ये 5 पे आता है और ये 10 पे आता है और ये जो है 15 पे आता है, ये आपका 20 पे आता है और ये 25 पे आता है, और इसी तरह से मैंने भी याद किया। अगर आप वो वाला ट्रिक बोलेंगे तो मैं आपको जो है याद करा दूंगा अल्फ़ाबेट याद करने का। और यहाँ पे देखो इन्होंने भी यही कहा है कि A to Z तक का न्यूमरिंग वाला पहले ही आप लिख लो, अगर आपको नंबर सीरीज जो भी आपका कौन सा अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है वो क्या होता है वो आप पहले ही लिख लो अगर आपको रफ सीट मिलता है, तो बाकी इसको आप याद भी कर सकते हो। उसके बाद देखो मैंने इनको बोला कि समझा नहीं, तो देखो इन्होंने क्या बोला कि स्किन आउट जो पहले हुआ था उनको बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस दिखाना होगा, जो लड़के स्किन आउट हुए थे पहले उनको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एक्सीलेंस दिखाना होता है। देखो होता क्या, जो रिपीटर होता है वो मैच्योर होता है, लेकिन जो स्किन आउट वालों को कुछ पता नहीं होता है, बाकी जो रिमेनिंग डेज के बारे में कुछ नहीं पता है, जो लड़के स्किन आउट होते हैं इनका सिर्फ एक मोटो होता है स्किन इन होने के चक्कर में, वो ग्रुप डिस्कशन में डोमिनेट करने के चक्कर में पूरा जीडी ख़राब कर देते हैं, और ये बात इनको बाद में रियलाइज होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इस बात पे आप लोग ज़्यादा फोकस करना कि आप लोग अपना जीडी में अपना कॉपरेट बना, मतलब कि पूरा ग्रुप को कॉपरेट करना और अच्छे तरह से जीडी देना, क्योंकि अगर आप पहले बार में स्किन इन हो जाते हो तो आपको 4 दिन का आपको एडवांटेज मिलता है, आपको सारा प्रोसेस पता चलता है, लेकिन अगर आप स्किन आउट हो जाते हो तो फिर आपको नेक्स्ट SSB में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि स्किन आउट कैंडिडेट का जो स्किन इन होने का फिर नेक्स्ट SSB में जो चांसेस रहता है वो काफ़ी रेयर रहता है, आपको बहुत ही ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि और एक बात, सेकेंड OIR का जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो,
और यहाँ पे देखो पिक्चर में क्या दिखाए थे, तो लड़की जो एक कुछ सोच रही थी बैठ के, विलेज का सीन लग रहा था। लड़की का एज 21 होगा, उसके हाथ में कुछ त्रिशूल का ऐसा लग रहा था स्ट्रक्चर जैसा था। और यहाँ पे देखो फिर मैंने इसको बोला कि हाँ तुम स्किन आउट हो गए क्या, अगर कुछ सजेशन हो तो दे दो। हाँ जीडी के कारण और थोड़ा सेकेंड ओआर टेस्ट के कारण। और एक सजेशन है, पेज जो मिलता है ना वो स्टोरी लिखने के लिए, उसमें पिक्चर देखने के साथ जो सब आपके मन में आए, दिमाग में जो भी क्लिक करे वो लिख ले, नहीं तो कभी भी स्टोरी पूरा नहीं होगा। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि जो जैसे ही पिक्चर देखने के बाद जो भी आपका पिक्चर और स्टोरी आपके माइंड में हिट करता है वो आप तुरंत लिखना स्टार्ट कर दें। मेरा तो स्टोरी पूरा लिख भी लिया था पर नरेशन भी कर दिया था। ग्रुप में मेरा एक और चेस्ट 1, 2, 3, 4 का स्टोरी और नरेशन बेस्ट था। इनके ग्रुप में 1, 2, 3, 4 जो चेस्ट नंबर थे उनका नरेशन अच्छा हुआ था, लेकिन जीडी में कोई भी बंदा किसी का सुन नहीं रहा था, तो इसीलिए भाई स्किन इन नहीं हो पाए। ओके भाई इतना ही था, होप इट विल हेल्पफुल। तो भाई बहुत हेल्पफुल रहा, वेलकम भाई, आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप। तो भाई आपको वंस अगेन थैंक यू, अपने अपना कीमती समय निकाल के रिव्यू अप जो है शेयर किए। तो भाई चलो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो नेक्स्ट अब रिव्यू में आपको दूंगा जो भी कैंडिडेट शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।